आज जब मैं स्टेशन पर नहीं आया तो तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए था ना। अगर अब तसल्ली हो गई हो तुम दोनों की तो प्लीज जाओ यहाँ से। मैंने फैसला कर लिया है, अब बंटवारा हो ही जाना चाहिए। कीड़े पड़ेंगे तुम्हारी कब्र में, कीड़े, तड़प तड़प के तुम मरोगे, दुनिया जहान की तुम्हें बीमारियां लगेगी, बचोगे नहीं तुम। तुमने तो कहा था कि तुमने खुद अपनी आंखों से बख्त को बाहर जाते हुए देखा। जी भाई साहब, मैंने खुद देखा था। बुरखे में एक लड़की जा रही थी और घर में मिलाद था, वो कोई और भी हो सकती थी। मुझे तो इसने कहा था कि ये बख्त जा रही है। अरे नहीं नहीं, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल बकवास है। मैंने घर का एक एक कमरा देखा था, सारे वॉशरूम चेक करके कंफर्म किए थे, बख्त नहीं थी। साहिबा भाभी, आप देखने गई थी ना कमरे में, बख्त थी वहां बताएं? नहीं थी ना, नहीं थी ना। वो शायद उस वक्त वॉशरूम में होगी, मैंने तो बस अफरा तफरी में कमरे में देखा बस। अरे मैंने घर के सारे वॉशरूम चेक किए थे, घर का कोना कोना छान मारा, वक्त घर में नहीं थी। ये सब झूठ बोल रहे हैं। अब सामान बांधो और दफा हो जाओ इस घर से। सुबह मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दिल तो करता है कि ऐसा ही थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर भी मारूं, क्योंकि तुम दोनों का किरदार तकरीबन एक जैसा है। अब मुझे तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना। सुबह हर सूरत बंटवारा होगा, दफा हो जाओ यहां से, चले जाओ। बेटा माफ कर देना, गलतफहमी हो गई थी। चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो चल कर आराम कर। आई होप मोहब्बत का भूत उतर चुका होगा। और आप ही, मैं तो पहले ही कहती थी कि हुनैन अच्छा आदमी नहीं है, और मेरा बहुत अच्छा है उससे। सब अपने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं बस। आज हुनैन से ताल्लुक टूटा तो कल मीरा से भी टूट जाएगा। ओ हेलो, इस पूरे मामले में अगर किसी ने किसी को यूज किया है ना, तो वो तुमने मीरा को किया। उसका तुमसे कोई मतलब नहीं जुड़ा। वो सिर्फ इसलिए साथ चला था ताकि मेरे जाने की तसल्ली कर सके, मगर शायद उसकी किस्मत खराब थी। परेशानी की बात नहीं है, मैं कल उसका काम कर दूंगी। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए गया था ताकि इस बात की तसल्ली कर सके कि कहीं तुम अपना नुकसान ना कर लो। तुम शायद नहीं जानते, लेकिन वो पहले से ही जानता था कि हुनैन एक फ्रॉड है। ये झूठ है, यही सच। वो तो पहले से ही जानता था कि हुनैन वहां रेलवे स्टेशन नहीं आएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके वहां ना आने पर तुम कैसे रिएक्ट करोगे। इसीलिए इतना बड़ा रिस्क लेके वो तुम्हारे साथ गया कि वहां जाके तुम्हारा ख्याल रख सके, और यहाँ बार बार कॉल करके पीछे से वो सब मैनेज कर रहा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उसे इस बेवकूफी की हद तक अच्छा बनने की जरूरत ही क्या थी। आराम से बैठता यहाँ पर, तुम्हारे घर से निकलने की बात निकलती तो शादी तोड़ देता। लेकिन वो ना तुम्हारी तरह मतलब ही। चलो इफी, यहाँ से चलते हैं, या किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। हम बिला वजह अपना दिमाग खराब। चलो।
रुक जा मैं उठा ले। दफा हो जाओ यहाँ से। फिर मैं उठा लेता हूँ ना। मैंने कहा ना, दफा हो जाओ यहाँ से। तुमने मुझे भाई साहब के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अजू प्लीज मेरी बात तो चुप करो। पूरे खानदान में बेइज्जत कराया है तुमने तुम्हारी बकवास से। अजू आप मेरी बात तो नहीं। चुप कर जाओ, बिल्कुल खामोश। अजू खुदा, क्या हुआ है? दरवाजा काफी देर से बंद है और अंदर से बाबा की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। दफा नहीं हुआ अभी तक? बस जा रहे हैं, वो पैकिंग हो रही है भाई साहब। करते थे। मेरे ससुर ने मुझे जॉब दिलाई है, पैसे दिए, घर और कारोबार भी दे रहे हैं। तुमसे शादी करके मुझे मिलता ही क्या? आज जब मैं स्टेशन पर नहीं आया तो तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए था ना, तुम ना बेवकूफ और जिद्दी दोनों हो। अगर अब तसल्ली हो गई हो तुम दोनों की तो प्लीज जाओ यहाँ से। वो तो पहले से ही जानता था कि हुनैन वहाँ रेलवे स्टेशन नहीं आएगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उसे इस बेवकूफी की हद तक अच्छा बनने की जरूरत ही क्या थी। तुम्हारे घर से निकलने की बात निकलती तो शादी तोड़ देता। किस्मत ऐसे ही करती है, चोर भी देती है उसके बाद मरहम भी रखती है। जहाँ सब कुछ बिगड़ जाता है ना, वहीं से कुछ ठीक भी होना शुरू हो जाए। अभी मगर तुम्हारी आंखों से लग रहा है कि तुम रात भर सो नहीं पाई हो। वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी ना, इसलिए नींद पूरी नहीं हुई। मैं जानती हूँ तुम कल घर पे नहीं थी। मगर तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम जहां कहीं भी गई थी वहां से मायूस लौटी हो। कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जिनका अधूरा रह जाना ही अच्छा होता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी। देखो बेटा, मेरा बहुत अच्छा लड़का है, वो और उसकी फैमिली नीचे आए हुए। तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। आ जाओ, शाबाश। देखो, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो कुछ भी कर सकती थी, बहुत जज्बाती लड़की है वो। वो जिए या मरे, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्योंकि मैं किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं जानता था वो लड़का नहीं आएगा। और मेरी जगह अगर तुम भी होती ना समरीन, तुम भी यही करते। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शुक्राने पड़ती कि मुसीबत टली, ना कि उस मुसीबत को हर प्रॉब्लम से निकाल कर वापस अपने गले में डाल लेती। मुझे तो तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मेरे क्या मतलब है, मैंने क्या किया? क्या किया तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारा कुछ करने का इंतजार करूं? तुम साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि तुम्हें वो लड़की अच्छी लगने लगी? क्या तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप कि सब कुछ खत्म हो जाए, वरना तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या? देखो यार। हेलो हेलो, तुम हमेशा मेरे साथ में यही करते। बुला रहे हैं तुम्हें अंदर। जा रहा हूँ। आज वक्त शादी तोड़ देगी? हाँ, आज ये शादी टूट जाएगी। मैं जानता हूँ तुम वक्त को पसंद करते हो ना। देखो, एक बार ये शादी टूट गई ना तो शायद वक्त की राय तुम्हारे बारे में भी बदल जाए और फिर तुम दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल वक्त को तुम्हारे सहारे की जरूरत है।
मगर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, बल्कि अब तो मैं ये चाहता हूँ कि ये शादी ना टूटे। फैमिली में ना सारे यूनों के हालांकि ये कहना मुनासिब बात नहीं है, लेकिन पिछले चंद दिन से जो कुछ हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो सही नहीं है। और इसे मेरा ख्याल नहीं है, ये बुशरा बैठी हैं, आप इनसे पूछिए, इनका भी ये ख्याल है। और बीना का भी ये कहना है कि ऐसा लगता है कि शायद इस सारे काम में वक्त की मर्जी शामिल नहीं है। देखो सर, हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि अपनी खुशी की खातिर वक्त को किसी किस्म की तकलीफ पहुँचाएं। देखें भाई साहब, अगर कोई बात है तो आप हमें अभी बता दें, बाद में पता चलेगा तो सबको तकलीफ ही होगी। हमारा भी एक ही बेटा है, हम किसी बखेड़े में नहीं पड़ना चाहते। कोई भी बात है तो भाई साहब आप हमें अभी बता दें। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, वक्त आपके साथ ही बैठी है। कल तो इसकी तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, अब तो सब कुछ ठीक है। देखो जुबैर, मैं मानता हूँ कि हमारे रवैये से तुम्हारे दिल में कई सवाल पैदा हुए, लेकिन हमारे घर के कुछ मसाइल ऐसे हैं कि मैं अभी कुछ बयान नहीं कर सकता। लेकिन इस बात का यकीन रखो कि जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अब सर, मैं ये बात वक्त के मुँह से सुनना चाहता हूँ। देखो बेटा, जिस रास्ते में पहला कदम ज़बरदस्ती रखा जाए, उस रास्ते की मंजिल तक पहुँचना नामुमकिन होता है। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की जा रही है? राजी नहीं हो तो मना कर दो बेटा, डरो मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस एक बार जो तुम्हारे दिल में है वो कह दो। बोलो बेटा। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, इस सब में मेरी मर्जी शामिल है। पता नहीं यार, ये बख्त चाहती क्या है। सब कुछ तय था, रात को हमारी बात हो चुकी थी, और वो समरीन वो अलग नाराज है मुझसे, और ये एक नई मुसीबत मेरे सर पे आ गई है। मैं करूं क्या? उस घर में तो किसी का भी ताल्लुक समझ में नहीं आता, उनको समझते समझते हम पागल हो जाएंगे। यहाँ किसी से शादी करने से बेहतर है अच्छे से दिमागी डॉक्टर से इलाज करवाओ, उन सबका सवाब मिलेगा। यार तू कोई मौका दे के मजाक नहीं कर सकता, ये सीरियस बात है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मुझे तो यहाँ पे किसी की भी समझ में नहीं आती, और अंदर की खबर ये है घर के अंदर भी काफी मसले हुए हैं। कल शायद बात हाथापाई तक पहुंच गई थी, पर वो किफायत नहीं है। वक्त का फूफा, उसकी फैमिली भी घर छोड़ के जा रही है। ओ, उनके घर में जो भी मसले हो ना, तू साइमा से बात कर। मैंने वक्त को 3-4 दफा कॉल किया, मेरा फोन नहीं उठा रही है। साइमा से कह कि मुझे हर हाल में वक्त से मिलना है, अर्जेंट। साइमा से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है मेरा। हाँ बिनेश को कह सकता हूँ, वो तुम्हारा मैसेज वक्त को दे देगी। ये बिनेश कौन है और तेरा उससे कॉन्टेक्ट क्यों है भाई? क्यों भाई, तुमने करनी नहीं। अगर उस घर में एक लड़की के साथ मेरी शादी हो जाए तो क्या बुराई है? हेलो। नहीं, वो बख्त ने मना नहीं किया। हेलो समरीन, मेरी हेलो आई एम सॉरी, मम्मी को तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, बड़ों के तो वैसे भी इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इतनी गलत फहमियाँ कि हर वक्त गुस्से में ही रहते हैं। काश के बड़े भी हम जैसे हो जाते, आपस में बात करते तो सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाती। हाँ, बात करने से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती ना। अगर तुम भी मुझे वक्त के बारे में ना समझाती तो मैं आज सबको उसकी सच्चाई बता चुका होता। तुम्हें वक्त से अब बदला नहीं लेना? नहीं, मुझे वक्त से कोई बदला नहीं लेना। कि लाइफ में पहले इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आई होप कि वो खत्म हो जाए।
वैसे भी आज हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हाँ, अगर मामू अब्बू को थप्पड़ ना मारते तो शायद रुक भी जाते हैं। लेकिन बड़ों के प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा हैं, मम्मी सामान पैक कर रही हैं, थोड़ी देर में निकल जाएंगे। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से एक ऐसा ताल्लुक लेकर जा रहा हूँ जो कभी नहीं टूटा। नहीं गप्पी भाई, निशान खत्म हो गया। थप्पड़ मेरे दिल पे लगा है, उंगलियां दिल पे छपी है मेरी, और इस थप्पड़ की गूंज सारी जिंदगी मेरे कानों से नहीं जाएगी। आप अपनी हरकतों को सुधार लें तो बेहतर होगा। अच्छा, मैं अपनी हरकतें सुधार लूं? सारा कसूर मेरा है, तुमने कुछ नहीं किया। मुझे हैरत हो रही, अजहर ने जो तुम्हारे साथ किया, तुम्हारे दिल में बदले की आग नहीं भड़की? मेरे हाथ देख रहे ना, बख्श दे मुझको, माफ कर दे। मेरा अब आपके किसी मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा बख्त वापस कैसे आ गई। कल वो घर से गई थी, गई थी, गई थी। किफायत, किफायत! बुला रही है, जाइए वरना यहाँ आ जाएंगी। अभी आपकी कुछ इज्जत बाकी है हमारी नजरों में। वैसे ना बहुत तेज हो तुम लोग। तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया और जब बंटवारे की बात शुरू हुई तो मुझे अपने साथ रखने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। वाह, अब तो मेरी अकल ठिकाने पर आ गई। अब मैं तुम लोगों का साथ नहीं दूंगी। अभी तुम्हारी खाल खिंची है, कल को मेरी खिंच जाएगी। ना बाबा ना, तुम लोगों को तुम लोगों के मंसूबे मुबारक। हम तो चले शादी की तैयारी। नो, प्लान चौपट हो गया। काफी भैया भी बिल्कुल जीरो है। भाई साहब, अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं कहां जाऊंगा? क्यों, अगर बंटवारा हो जाता तो कहां जाते? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। आप मेरे बड़े हैं, बेटी का बाप हूं। बस सुनी सुनाई बातों में आ गया, माफ कर दीजिए भाभी। क्या आप भी मुझे माफ नहीं करेंगे? कैसी बातें कर रहे हो सर? मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं। और माफी किस बात की? भाई साहब, अगर आइंदा कभी भी मुझसे कोई गलती हुई तो आप मुझे अपने हाथों से धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन इस बार माफ कर दीजिए। लोगों को बड़ा बनने का बहुत शौक है। बड़ा बनना कितना मुश्किल है ये सिर्फ घर का बड़ा ही जानता है। एक शर्त पे माफ कर सकता हूं। भाई साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो फिर ठीक है, नीचे जाकर तूबा के सामने किफायत से माफी मांगू। क्या भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये सारा कुछ तो उसी का किया धरा है और आप कह रहे मैं उसी से माफी मांगू? हाँ, मैं चाहता हूं तुम उससे माफी मांगो। वो नाकारा सही, लेकिन है तो हमारा बहनोई। तुमने तूबा के सामने उसके शौहर को थप्पड़ मारा, वजह चाहे कुछ भी हो, आखिर वो हमारी बहन है और किसी भी बहन को घर से दुखी दिल से नहीं जाने देना चाहिए जबकि वो शादीशुदा हो। ठीक है,
मैं मना कर दूं? बोल दूं कि तुम्हें नहीं मिलना? हाँ भाई, कहा ना मना कर दो, कौन सी जुबान में समझाऊं? मना कर दो, मना कर दो, मना कर दो जी। पागल लड़की है, क्या हो गया बक? उस पर क्यों गुस्सा निकाल रही हूँ? तुम्हारी हरकतें ना मुझे समझ में नहीं आती। आज मना करने वाली थी ना तुम, तो अचानक से क्या हो गया है? और वैसे भी हम लोग जा रहे हैं, राफी ने मुझे कहा था तो इसलिए मैं तुम्हें मैसेज देने आई थी। मगर तुम्हारा तो एटीट्यूड ही खत्म नहीं हो रहा। इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए, पता नहीं क्या समझते हो तुम अपने आप को। मुझे किसी को भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम लोग वाकई जा रहे हो? कोई भी चांस नहीं रुकने का? नहीं ना यार, अब्बा बहुत नाराज है और अम्मी का तो पूछो ही मत। मेरा खुद दिल नहीं है यहाँ से जाने का। ये पाक मैडम को अगर अचानक से अपने इंकलाबी मोहब्बत का भूत संवारना होता ना, तो नौबत यहाँ तक आती ही ना। ये हो क्या रहा है? हाँ राफिद, तुम्हें कब से मैसेज देने लग गया? वो तो ऐसे कॉन्टेक्ट करता था, और तुम्हें बीनिश के जाने का इतना दुख क्यों हो रहा है? इस वक्त ज्यादा अहम सवाल ये है कि मीराब से जान छुड़ाने का सुनहरी मौका तुमने यहाँ से क्यों जाने दिया? आखिर क्या चाहती हो तुम? इस वक्त मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तुम लोग प्लीज यहाँ से जाओ। जी दिमाग खराब करके रख दिया, हर किसी के सवाल का जवाब देने के लिए बैठी हुई हूँ मैं। वैसे आपी, आपने मना क्यों नहीं किया शादी से? तुम भी निकलो यहाँ से, जाओ। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ झूठ निकला, ना मुझे तो अपने साथ रखने के लिए कोई तैयार भी नहीं था। तुम्हें कोई क्यों रखेगा? तुम्हारा अपना घर है, तुम तो खुद दूसरों को यहाँ रख सकती हो। अगर मैं कुछ नहीं करता इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा भाई मुझे थप्पड़ मारेगा। खबरदार, खबरदार जो इखलास में मुझसे निकाला, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें थप्पड़ क्यों लगा। अरे मेरी बदकिस्मती है कि तुम मेरे शौहर हो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यूं हमेशा के लिए अपने भाइयों से रिश्ता तोड़ के जाऊंगी। तुम अगर मेरे शौहर ना होते ना, अगर भाई से कहती कि एक और तुम्हें थप्पड़ लगाए। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, ससुराल में मेरी इज्जत नहीं है। अगर तुम्हारी इतनी फिक्र होती ना किसी को, तो अब तक कोई मनाने आ चुका होता। मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है तुम्हारे भाई ने, मेरे मुंह पर। ये इज्जत है तुम्हारी तुम्हारे भाइयों के घर में? किफायत, I'm sorry. मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अरे अब क्या मुझे तुमसे भी माफी मांगनी होगी? चल शाबाश, शाबाश। किफायत, मैं जानता हूं मैंने जब तुम पे हाथ उठाया तो तुम्हारी खासी दिल आजारी हुई। मुझे यकीन है कि तुम मुझे दिल से माफ कर दो। आजा आजा, शाबाश, चलो। तुम क्या हर वक्त यहां खड़ी रह के दांत निकालती रहती हो? ये कपड़े उठाओ, अलमारी में रखो। चल बे तू भी चल। तुम्हें क्या समझ आता है कि वक्त आपने शादी क्यों तोड़ी? क्या पता, हम दोनों बचपन से वक्त के कितना करीब है ना, और हमेशा जब भी ऐसा लगता है कि वक्त को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तब ही वो ऐसा कुछ कर देती कि बिल्कुल एक पहेली की तरह लगना शुरू हो जाती। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा। मुझे तो लगता है वो शौक है। इतने अरसे धोखेबाज से मोहब्बत करती रही है और एक मिनट में सब खत्म हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ एक नया सा हो गया है ना। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अभी वक्त जिस फेज से गुजर रही है ना, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरा भी तो किसी और से मोहब्बत करता है ना यार। ये हर मोहब्बत में इतने मसले क्यों होते हैं? मुझे तो लगता है जलेबी भी इसके सामने सीधी है।
तुम नहीं समझो, पर हकीकत यही है कि जो मोहब्बत होती है ना जलेबी से भी ज्यादा टेढ़ी होती है, मुझसे भी ज्यादा मीठी। जिंदगी की सारी तलखियां सारी परेशानियां भुला देती है। क्या फायदा, तो जा रहे जा रहे। कौन जा रहे? कोई नहीं जा रहा। तुम ना कबाब बनाने पे कॉन्सेंट्रेट करो। आज कबाब कम बनाइएगा, चार लोग कम है खाने पे। जी मुझे पता है, आपको ना याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग नहीं जा रहे। कसम खाओ। कसम से? मामू ने अब्बा से सॉरी कह दिया, सारी बात ही खत्म हो गई। अब हम लोग शादी तक यही है। तेरा शुक्र है। चलो। शबाना, बाकी कबाब तुम बना लो। हाँ बोलो, क्या बात है? ये क्या किया आपने? क्या किया मैंने? आपने खुद ही कहा था कि आप मना कर देंगी, तो फिर ये नहीं किया। मेरी मर्जी, मेरे मुंह में तुम्हारी जुबान नहीं है। और अगर तुम्हें इतना हो रहा है तो तुम खुद जाके बता दो सबको। कल आपने कहा था कि आप चाहती हैं मैं और सुमरीन शादी कर लें और एक अच्छी जिंदगी गुजारें। हाँ तो कर लो शादी, गुजार लो सुकून से जिंदगी तुम अपनी, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? ये लो बेटा, ध्यान से लेकर आना, रकम ज्यादा। लेकिन चाची, ये इतने पैसे किस लिए बैंक से निकल रहे हैं? बख्त की शादी का सूट लेना है, गहने लेने हैं, पैसे तो चाहिए ना बेटा। और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, रोज का कोई छोटा मोटा फंक्शन तो लगा ही रहेगा ना, और 27 तारीख में दिन ही कितने रहेंगे, पैसे तो चाहिए होंगे। शादी हो रही है? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो रही, पापा ने तो खुद बख्त से बात की है, बख्त ने हाँ भी कह दी। अब तुम बैंक जाओगे, पैसे निकाल के लाओगे, तभी तो हम शॉपिंग पे जाएंगे। यही तो प्रॉब्लम है, वक्त ने हाँ कहा क्यों? क्या मतलब? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं चाची पैसे लेकर आता हूँ। हाँ बेटा जाओ, ध्यान से जाना। अच्छा हाँ, वो आपने कहा था ना कि मेरा आपका मैसेज देना है बख्त को मिलने के लिए, तो मैं आपको फोन ही कर रही थी लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही चली हूँ। फोन कमरे में छोड़ के आने की इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती थी मुझे। अगर मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो क्या गाड़ी की चाबी मिल सकती है मुझे? मेरी गाड़ी की चाबी और ये चची ने चेक दिया, ये भी कैश करवा लेना प्लीज। तुझे दिया ना, खुद ही कैश करवा। तेरा तो बख्त के साथ होना है या नहीं, लेकिन अगर हमारा कोई चांस बन रहा तो बनने देना प्लीज। बख्त ने मना कर दिया आपसे मिलने से। जानता हूँ, अभी बात हुई है मेरी उसके साथ, बहुत शुक्रिया बख्त का। खुद करवा लेना। मुझे पता था कि आपके होते हुए मैं कभी भी इस घर से नाराज होकर नहीं जा सकती। भाई ये घर जितना मेरा है उतना तुम सब लोगों का, तुम लोगों को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। और अब तुम जरा किफायत के ऊपर भी नजर रखो, हर वक्त लड़कियों की टों में लगा रहता है अच्छी बात नहीं है। और नहीं तो क्या, हर वक्त दूसरों को इस्तेमाल करना कोई बात होती? वो तो अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ झूठ निकला, वरना मुझे तो अपने साथ रखने के लिए कोई तैयार भी नहीं था। तुम्हें कोई क्यों रखेगा, तुम्हारा अपना घर है,
तुम तो खुद दूसरों को यहाँ रख सकती हो। हाँ बिल्कुल, और नहीं तो क्या। ये घर अलग करने की बात मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी, साथ में रहने की बात ही कुछ और है। वाह, बहुत ऊंचे ख्याल आते हैं तुम्हारे। बस अब आप देखिएगा किस धूमधाम से हम बख्त को रुखसत करते हैं, वो शादी होगी कि दुनिया देखेगी। हाँ यही तो मैं चाहती हूँ। अरे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अब देखो भाई, घर की पहली शादी है, ये अच्छी से हो गई तो फिर बाकियों के रिश्ते भी घर चल कर आएंगे। वैसे कल रात को जो घर पे हुआ है उसके बाद तो जुबैर का ही जर्फ है जो बात अब तक बनी हुई है, वरना लड़के वालों के साथ ऐसे कौन करता है। अम्मा जो भी होता ना अच्छे के लिए होता है, जो जिसके दिल में था ना वो साफ हो गया, अब कोई इख्तलाफ नहीं है। अब ये सब मिलकर मेरी बेटी को रुखसत करेंगे। हाँ इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। देखो बेटा, तुम्हारा बाप चचा साया तो है नहीं, सिर्फ एक तुम और मैं, और तुम्हारे अब्बा के बाद जिस तरह से हमने जिंदगी गुजारी है तुम अच्छी तरह से जानती हो। हाँ अम्मी मैं जानती हूँ, लेकिन आप ये बातें मुझसे क्यों कर रही हैं? कुछ दिनों में बख्त की शादी हो जाएगी। हो जाएगी ना? हाँ अम्मी हो जाएगी, लेकिन आप प्लीज बताए ना आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि कल रात बख्त घर पे नहीं थी, और अमरीन को भी इस मामले का कुछ कुछ अंदाजा है कि बख्त शादी के लिए राजी नहीं है, और तुमसे बात करने का मकसद ये है कि तुम बख्त के साथ इस मामले में जहां तक भी गई हो अपने कदम वहीं रोक लो। देखो इस घर के लोग ऊपर ऊपर से एक दूसरे के साथ हैं, अगर जरा सी भी बात हाथ लग जाए ना तो एक दूसरे को नोचने को तैयार हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनूं। नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, तो जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अगर मुझे गलतफहमी है तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम और बख्त किसी गलतफहमी में पाई जाओ। देखो अगर कोई बात है तो मुझे अभी बता दो। अम्मी अम्मी कहाँ है? वो सब तो नीचे हैं। अच्छा खाला अगर अम्मी मेरा पूछे तो उनको बता दीजिएगा कि मैं बाहर जा रही हूँ। खैरियत? जी बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाह रही हूँ, काम है। इंसान कुछ बोले ना बोले लहजे सब बता देते हैं। उम्मीद है तुम्हें मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। गैरत खा लूं घर छोड़कर चला जाऊं, थोड़ी तो इज्जत बनेगी सालों की नजर में। नहीं नहीं, अगर गैरत खा लूंगा तो खाना कैसे खाऊंगा? आग तो लगी हुई है, बस हल्की सी हवा देनी है। अगर इतनी जल्दी हार मान ली ना कफाय तो सारी जिंदगी इनके आगे हाथ फैलाना हो ही नहीं सकता कि वक्त घर छोड़ कर ना। लेकिन वापस कैसे आ गई, कैसे कैसे? अरे मीराब जी, क्या यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है, और जाया ना करें, मेरा देर हो रही है मुझे। उसी लड़की से मिलने जा रहे हो ना जिससे शादी करना चाहते हो? सब जानता हूँ, तुम्हारे इन्हीं चक्करों के चक्कर में ना थप्पड़ खाया मैंने। अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा है तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, और जिन चक्करों की बात आप कर रहे हैं उनके बारे में भी मुझे कुछ नहीं। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं जा सकता हूँ। बख्त, अरे बख्त, जी कहाँ जा रही हो? मॉल जा रही हूँ, आपको कोई काम है? अच्छा तो मॉल जा रही हो, ये भी वहीं जा रहा है। एक काम करो गाड़ी की चाबी मुझे दे दो, मुझे बहुत जरूरी काम।
वैसे भी भाई तुम दोनों सही टाइम पर सही जगह पहुंचने के माहिर हो हैं। क्या हुआ, तुम दोनों साथ नहीं जाना चाहते? अगर कोई मसला है तो मुझे बता सकते हो। अरे लाओ, वैसे मीरा तुम्हें तो किसी बात से कोई मसला होता ही नहीं है ना? कुछ देर तो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे का लहू पियो, कुछ देर तो मेरे दिल को भी तसल्ली हो। मैंने जो कुछ भी किया ना आपके लिए, उसके लिए बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी जगह कोई भी होता तो मैं यही करता, लेकिन अगर आपको यही सब कुछ करना था तो आप पहले बता देती मुझे, ताकि मेंटली तौर पे तो रेडी होता मैं। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे अब्बू के सामने ये सब कुछ कह दूंगी। अब अगर मैं कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे मेरे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं बचा। अब तो सोचने से भी समझ नहीं आता कि ये शादी टूटेगी कैसे। क्यों, क्या मुश्किल है? जाके बोल दो अपने माँ बाप से कि तुम सबीन से शादी करना चाहते हो। मैंने जो कल किया वो भी बता देना। आई एम श्योर तुम्हारे माँ बाप किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कराएंगे जो किसी और से शादी करने के चक्कर में घर से भाग चुकी। अगर चाहो तो दो चार बातें और मिलाकर बता सकते हो। अब जानती है मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। ये जो किसी को दुख नहीं पहुंचाने वाले लोग होते हैं ना, उन्हें सबसे ज्यादा दुख पहुंचता है। मुझे देखो और सबक हासिल करो। मुझे खुद नहीं पता कि मैं भी क्या चाहती हूँ। तुम्हारे अबू से बात करने से पहले मैं फैसला कर चुकी थी कि मैं मना कर दूंगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस इनकार नहीं कर सकी। देखो तुम्हें जो ठीक लगता है ना तुम वो कर लो, मेरी परवाह करना छोड़ दो। सबक हासिल किया होता ना मैंने तो वो ना करता आपके लिए जो कल किया। अगर आप दोबारा यही करेंगे तो शायद वही करूंगा जो कल रात किया मैंने। मजबूर हूं मैं, मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों हूं, लेकिन इस सब की वजह से ना समरीन को बहुत नुकसान। मुझे एक बात बता, मैंने तुम्हें बांध के नहीं रखा और ना ही हमारी शादी हो गई है। कह तो रही हूं जाके कर लो शादी। नाराज हूं मुझसे, बात भी नहीं करी। अच्छा तो इसकी भी कसूरवार मैं हूं। I'm sorry, लेकिन तुम्हारी उस समरीन को ना बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। होगी वो जो तुम्हारे लिए होगी, मगर मुझसे अगर उसने इस टोन में फिर से बात की ना तो शादी करनी है। तो कर लो, किसने मना किया? समरीन। Say yeah.